या तो नियुक्ति दो या नहीं तो मुक्ति दो। हम लोग की परिस्थिति बहुत खराब चलते आ रहा है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके आवास में आए हुए हैं और कल भी हम लोग आए थे, कल भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फैसले से झारखंड के युवाओं में काफी उम्मीद देखने को मिला है। वहीं अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जैप के सफल अभ्यर्थी, हालांकि अंततः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से इनकी मांगे सुनने के लिए मुख्यमंत्री आवास से बुलावा आ गया है। आइए जानते हैं सफल अभ्यर्थियों का क्या कुछ करना है। देखिए, हम लोग जब झारखंड सशस्त्र पुलिस का हम लोग 2 से 9 तक का विज्ञापन निकाली गई थी 2011 में, उसी विज्ञापन को लेकर हम लोग ने लगातार धरना प्रदर्शन किया। पाँच वर्ष से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शीर्ष सेकेंड लिस्ट निकालने के लिए। और हमारे जब हम लोग मोराबादी में धरना प्रदर्शन किया था तो उसी बीच में हम लोग माननीय सीता सुरेन जो थी हम लोग के अनशन तोड़ाए थे आकर, और कहे थे कि जल्द से जल्द आपकी दृढ़ मेगा सूची निकालने की मांग जो है हम CM साहब से करके निकलवा देंगे। उसके बाद भी हमें आशा जो थी निराशा में बदल गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा। उसके पश्चात फिर हम लोग को 14 टीम जो कांग्रेस के बने थे गठबंधन की, वो हमें आए। रामेश्वर राम बादल पत्रलेख जी थे, आलोक दुबे जी थी, ममता देवी जो थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सरकार से बात करके जल्द से जल्द आपकी दीर्घ मेगा सूची निकालेंगे। पर अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक हम लोग दीर्घ मेगा सूची नहीं निकालेंगे। उसके बाद भी जैसे झारखंड वर्ष मनाया गया था तो हम लोग दुमका गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था वहाँ कि आपकी दीर्घ मेगा सूची जल्द से जल्द निकाल देंगे। आप हमारे झारखंड के युवा हैं तो आपकी दीर्घ मेगा सूची निकालना हमारे हक का है, आपको जरूर निकलेगा। उसके बाद भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अभी लगातार वो जितने भी कामें हैं, पेंडिंग कामें हैं, उसको लगातार वो क्लियर कर रहे हैं। तो वही उम्मीद से हम लोग आज उनके आवास में आए हुए हैं, और कल भी हम लोग आए थे, कल भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। आज भी वही उम्मीद से हम लोग आए हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगा। पर 2400 जिला से लड़का लोग आए हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। मैं हम लोग को खाने को दिक्कत है, पीने रहने का बहुत दिक्कत हो रहा है 2 दिन से। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह कर रहे हैं, जो आपने वादा किया था कि हमारे आवास में आकर आपको किसी प्रति का कोई समस्या है तो आप हमसे मिलिए, तो वही आज हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे। पर जो जैसे कल पंचायत सचिव से मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा, उनको भी आश्वासन दिया है, तो हम उनसे ये चाहते हैं कि आप हमसे एक बार मिलिए और हमारी जो दीर्घ मेगा सूची का जो मांग है उसको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जाए। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने कहा था कि धरना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये झारखंड के युवा के लिए सरकार है तो उनकी धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। आप हमारे किसी के प्रति कोई भी समस्या है तो आप हमारे आवास में आके हमसे बात करिए, आपकी जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। हम लोग तो मुख्यमंत्री साहब को लेटर उटर दे दिए हैं, पर अंदर से तो अभी पता नहीं, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। पर हमको तो लगता है, जैसे कल भी हम मुख्यमंत्री से मिलने का बहुत प्रयास किए पर उनका गार्ड के द्वारा हम लोग को मिलने नहीं दिया गया है, तो अब देखिए अब क्या अंदर से क्या आदेश आता है। हम लोग यही उम्मीद लेके आए हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग के रिजल्ट घोषणा कर दें, इसी उम्मीद से बार बार आ रहे हैं। मुलाकात हुई थी यानी 2019 में जब लॉकडाउन था तो उस समय मुलाकात हुई थी, तब आश्वासन देते आ रहे हैं, सभी मंत्री लोग से मिले थे तो आश्वासन पर आश्वासन भेटा, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषणा नहीं हुई नहीं है। मुख्यमंत्री साहब से यही चाहते हैं कि हम लोग के रिजल्ट घोषणा कर दें, हम लोग की परिस्थिति बहुत ख़राब चलते आ रहा है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री के सेकेंड लिस्ट के लिए आए हैं, हम लोग का जैप का द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित किए, यही उम्मीद लेकर आए हुए हैं कि सर हेमंत भैया का है कि सबका जितना है पेंडिंग रिजल्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हम लोग को यही उम्मीद से आए हैं कि हम लोग का भी जैप का द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित करें। ये बहाली 02/2011 की है और 11 में वैकेंसी निकलती है, 12 में फिजिकल टेस्ट ली जाती है, उसके बाद 13 में रिटर्न टेस्ट ली जाती है, उसके बाद 2 साल के बाद कुछ कारण के बस रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो हम लोग आंदोलन किए थे बिरसा चौक पे, तो प्रथम मेधा सूची निकाला गया था, उसके बाद जब 1020 में पद में से जो 700 की नियुक्ति होती है तो 320 पद खाली रह जाती है, तो हम लोग लगातार जो है सो धरना प्रदर्शन का कार्य करने का काम करते रहा, मोराबादी में, पुंदाग, जहां भी बिरसा चौक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिलता रहा। जब हम लोग दुर्गा पूजा समय 2020 में धरना दिए थे मोराबादी में, उस समय
8 दिन अनशन पर बैठे हुए थे, तो 8वां दिन सीता मैडम आती है और जोश पिला कर अनशन तोड़वाती है, और हम लोग को कांग्रेस के 15 सदस्य टीम डेलीगेशन टीम आती है और कहती है कि आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करा ली जाएगी, और हम लोग को धरना प्रदर्शन ख़त्म करवा देती है। और लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का काम करते रहा, अभी तक कोई वो नहीं मिला हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलते रहा। सीएम से दुमका में मिले, देवघर में मिले, बोले कि आप लोगों का काम किया जा रहा है, कुछ त्रुटि हम लोग लगातार आवेदन देते रहे हैं, लगातार देने का काम किया है, लेकिन पता नहीं उनके कानों तक पहुंच रहा है आवाज़। हमारा यही एक ही कहना है, या तो नियुक्ति दो या नहीं तो मुक्ति दो, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही वचन है, इसलिए कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। किसी प्रकार हम टेम्पू चला के किसी प्रकार भरण पोषण परिवार का करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कहना है, या तो नियुक्ति नहीं तो मुक्ति। और दूसरा हम सीएम से यही विनती बार बार करना चाहते हैं, जिस प्रकार ना ही नियुक्ति दे रहा है, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा हम लोग यही डटे रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।